सब्सक्राइब कीजिए समथिंग न्यू चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षराज, आप देख रहे हैं समथिंग न्यू। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने आप यूट्यूब चैनल पर डिस्कशन टैब को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मूव करें आज के वीडियो की तरफ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ, ये इनेबल जो फ्रेंड्स आप करेंगे डिस्कशन टैब को, वो फ्रेंड्स आपकी यूट्यूब ऐप पे नहीं शो करेगा, बल्कि फ्रेंड्स अपने आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स डेस्कटॉप साइट आप इनेबल करेंगे और फ्रेंड्स उसके बाद अगर आप यूट्यूब सर्च करेंगे यानी फ्रेंड्स अपना यूट्यूब ओपन कर लेंगे तो फ्रेंड्स आपको यह डिस्कशन टैब का ऑप्शन आएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ अपने आप डिस्कशन टैब को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको उसके लिए जाना अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र जैसे ही फ्रेंड्स आपका ओपन हो जाएगा, आपको टॉप में राइट साइड थ्री डॉट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, तो फ्रेंड्स आपको उस ऑप्शन पे टच करना है। और फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे आपको थोड़ा सा नीचे में एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो फ्रेंड्स आपको इसे टच करके इनेबल कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे कर लिया इनेबल। और फ्रेंड्स, आपको इसमें अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे सर्च करके भी कर सकते हैं, या फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे यूट्यूब का ऑप्शन आ रहा है तो मैं इसे टच करके ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन हो गया है। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, आपको टॉप पे एक यूट्यूब का ऑप्शन आ रहा होगा लेफ्ट साइड में। फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे एक थ्री लाइंस का ऑप्शन भी आ रहा होगा, फ्रेंड्स आपको उस ऑप्शन पे टच करना है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे इस ऑप्शन पे टच करेंगे आपको सेकेंड नंबर पे एक माई चैनल का ऑप्शन आएगा, आपको फ्रेंड्स उस माई चैनल के ऑप्शन पर टच कर देना है। अब फ्रेंड्स, आप देखेंगे आपको थोड़ा सा नीचे में आप एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके लेफ्ट में आप देखेंगे तो आपको एक सेटिंग्स का आइकन आ रहा होगा, तो फ्रेंड्स आपको सेटिंग्स के आइकन पे टच करना है। और फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, फ्रेंड्स आपको ये ऑप्शन जो डिस्कशन टैब का ऑप्शन तभी आएगा इनेबल करने के लिए जब फ्रेंड्स आपके चैनल में कस्टमाइजेशन आपका लेआउट जो होगा, वो कस्टमाइज योर चैनल लेआउट, आपको फ्रेंड्स उसे इनेबल कर देना है। फ्रेंड्स, मैंने उसकी वीडियो अपने कार्ड्स में दे दी है, तो उसे आप चेक कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स आपके चैनल को पहले कस्टमाइज करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप उस वीडियो को पहले चेक कर लें, उसके बाद फ्रेंड्स आप इस वीडियो में आए। तो फ्रेंड्स, अब आप देखें, आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शो डिस्कशन टैब, तो फ्रेंड्स आपको इसे इनेबल कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप इस साइट पे टच करेंगे तो ये फ्रेंड्स इनेबल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, तो फ्रेंड्स आपको इसे सेव कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे सेव कर देते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसे जैसे ही आप सेव करेंगे आपको फ्रेंड्स यहाँ पे वापस से एक पेज ओपन होगा। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ यहाँ पे, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, चैनल, और फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्कशन टैब का ऑप्शन आता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपने डिस्कशन टैब को इनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।